है आपका अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है मोहित और आज मैं लेके चलूंगा आपको अपनी पहली जर्नी पे। एक्चुअली यार मैंने आपको बता तो दिया था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास व्लॉगिंग का एक भी इक्विपमेंट नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, पहले व्लॉग में शॉपिंग वगैरह की जाए, बेसिकली व्लॉगिंग के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट्स है वो लिए जाएं। तो आज मैं आपको लेके चलूंगा चांदनी चौक। बेसिकली चांदनी चौक की जो कैमरा मार्केट है वहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन और एनी रिटेल शॉप। हाँ तो भाई रेडी होके आ चुके हैं हम रोड पे। अभी यार अभी हम जा रहे हैं एटीएम से कैश निकालने, क्योंकि मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। तो चांदनी चौक यहाँ से जाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो हम शाहदरा से मेट्रो ले सकते हैं या फिर हम सीधा बस ले सकते हैं। तो हमने सोचा यार तो आज हम सबसे पहले बस से ही शुरू करेंगे। हाँ तो यार हम लोग पहुँच चुके हैं पुरानी दिल्ली। यहाँ से चांदनी चौक ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग ही है। तो मैं वॉक कर करके कैमरा मार्केट तक जा रहा हूँ। यार एक बात कहनी पड़ेगी, मैंने आज एक साल बाद करीब बस से ट्रेवल किया और दिल्ली की बसों की हालत भाई पहले से लाख गुना ज़्यादा बेटर है। पहले जिस तरीके से लोगों की भीड़ लगी रहती थी और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी यार बसों में बहुत ज़्यादा, बट अब वो दिक्कत सारी ख़त्म है भाई। जितनी बसों में सीट है उतने ही लोग बैठेंगे और गार्ड्स वगैरह पहले से ही हैं जो सारी चीज़ें चेक करेंगे कि कितनी सीट है, कोई लोग ज़्यादा तो नहीं है कम तो नहीं है, और वो मतलब सीटों के अकॉर्डिंग ही लोगों को चढ़ने दे रहे हैं बस में। रिफ्लेक्टर होल्डर है अंदर में और वो बोया का माइक हर वाला ये सारे चल सी हेड बता दे वो पीछे वाला जी ये 1200 ये तो 450 का नीचे वाला अरे अरे दे दो कॉल कर दे दो इसकी कोई वारंटी वगैरह तो नहीं होगी कितने का ये 1200 का तो भाई शॉपिंग वगैरह हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। बाकी भाई हमें थोड़ी देर पहले मिल चुके थे, अभी यार हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। बाकी मैं आपको सब बताऊंगा कि कितने का मुझे माइक पड़ा, कितने का मुझे ट्राईपॉड पड़ा, कितने का मुझे माउंट पड़ा, सब मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे। क्या हो गया साकिब भाई? तो चले यार अभी थोड़ा खाते पीते हैं फिर बात करते हैं आराम से। बाय। हाँ तो भाई मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें खरीद के लेके आया हूँ। एक मैंने खरीदा है ट्राईपॉड, आई गेस आपको पूरा दिख रहा होगा, 300 रुपये का ये मुझे ट्राईपॉड पड़ा है जिसकी कीमत ऑनलाइन 550-600 रुपये कुछ है। एक मैंने खरीदा है मोबाइल माउंट मेरे मोबाइल के लिए, साथ में इसमें दो माउंट मिल रहे थे बेसिकली, एक जिसमें ये था मैं आपको दिखाता हूँ और दूसरा जिसमें ये नहीं था। तो ये वाला थोड़ा महंगा था, ये मुझे मिला 80 रुपए का और दूसरे वाला था वो 50 रुपए का दे देते ऑनलाइन, ये भी आई गेस महंगा ही था। तीसरी चीज़ मैंने खरीदा है कि बोया का माइक। यार सच बताऊँ इस माइक में सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट लगा, क्योंकि ऑनलाइन ये माइक कम से कम 2000 रुपए का मैंने चेक किया था, ऑनलाइन ये माइक 2000 रुपए का है और मुझे वहाँ से ये माइक आई गेस 1200 रुपए का वो बोल रहे थे और मुझे 950 रुपए का मिल गया। तो ऑलमोस्ट आधे से भी कम रेट पे मुझे वहाँ पे
चीज़ें ये मिल गई। जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं उसमें मुझे बिल और वारंटी दोनों ही नहीं मिली है, क्योंकि बिल और वारंटी के साथ अगर यार मैं ले रहा था तो वो मुझे महंगी पड़ रही थी। करीबन 1700 रुपये का ये बाइक मुझे पड़ रहा था, जो अभी मुझे 950 रुपये का पड़ा है। और वारंटी भी वो मुझे कंपनी की दे रहे थे, जो मुझे नेहरू प्लेस वगैरह पर कहीं जाकर दिखाना पड़ता। तो मैंने सोचा इतना धक्के कौन खाएगा यार, एक माइक ही तो है, ले लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, चला तो ठीक है। मैंने तो यार बिना बिल के लिया है। बाकी अगर आपको चाहिए हो तो आप बिल के साथ ले सकते हैं, 1600-1700 रुपये का ये मिल जाएगा आपको आराम से। लेकिन आपको वारंटी कंपनी से मिलेगी, जिसके लिए आपको नेहरू प्लेस विजिट करना पड़ेगा अगर आपके माइक में कोई भी इशू आता है तो। ठीक है यार, आज के व्लॉग के लिए इतना ही था। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट, गुड बाय।